जय साईं राम। नमस्कार, मैं बृजमोहन सूरी स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं सुख शांति के महा उपाय की, जो आपको बना देगा पूर्ण रूप से सुखी। जी हां, सुख शांति का महा उपाय। यदि आपके निवास पर कलह क्लेश रहता है, कारोबार नहीं चलता है, परिवार के सदस्य दुखी रहते हैं, रोगों ने घर कर लिया है, सभी आपस में झगड़ते हैं और आप बहुत परेशान हैं, आपको लगता है परिवार पर किसी की नजर लग गई है, किसी ने जादू टोना कर दिया है, कोई ऊपरी हवा है, तो आप इस उपाय को, इस टोटके को अपना सकते हैं। पूर्णतया आध्यात्मिक धार्मिक यह टोटका आपको बहुत लाभ देगा, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, क्योंकि ये आध्यात्मिक टोटका है, धार्मिक टोटका है। इसको आप श्रद्धा और प्रेम के साथ अपनाइए, आपको पूर्ण रूप से लाभ मिलेगा। ये उपाय आपने प्रत्येक मंगलवार, बुधवार, वीरवार, गुरुवार करना है और तब तक करते रहना है जब तक आपकी समस्या का निवारण नहीं हो जाता है। आप देखेंगे कि आप पूर्ण रूप से सुखी हो जाएंगे और किसी प्रकार की कोई समस्या परिवार में नहीं रहेगी। 3 दिन करना है, मंगलवार, बुधवार, वीरवार यानी थर्सडे को 3 दिन आप करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। और रेगुलर करना है, करते रहना है। मंगलवार के दिन घर के मंदिर यानी पूजा रूम में बैठकर तांबे के पात्र में गंगा जल भरकर श्री हनुमते नमः मंत्र का जाप 108 बार करें। पाठ संपूर्ण करने के बाद गंगा जल को पूरे घर में छिड़क दें। जी, ये पवित्र मंत्र आपके घर में पॉजिटिव वाइब्रेशन भर देगा, सुखों से आपको लपालप भर देगा। प्रत्येक बुधवार करें। बुधवार के दिन अपने पूजा रूम में बैठकर ओम नूम दुर्गाए नमः मंत्र का जाप 108 बार करें। पास में तांबे के पात्र में गंगा जल रखने मंत्र का जाप संपूर्ण होने के पश्चात गंगा जल घर में छिड़क दें। ऐसा प्रत्येक बुधवार करना है, रेगुलर करना है। इससे पॉजिटिव वाइब्रेशन डबल हो जाएगी और आप धन धान्य से भरपूर होने लगेंगे। प्रत्येक गुरुवार जल में थोड़ी सी हल्दी डालकर श्री गुरुदेवाय नमः का जाप 108 बार करें। गंगा जल तांबे के बर्तन में रखना है। जब जाप पूरा हो जाए गंगा जल को पूरे घर में छिड़क दें और ऐसा प्रत्येक गुरुवार करें। आप देखेंगे कि ये 3 दिन, हफ्ते में 3 दिन ऐसा करने से, रेगुलर करते रहेंगे तो आपको बहुत अधिक सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, धन मिलेगा। इस उपाय को करते वक्त यानी सोमवार, बुधवार, वीरवार किसी भी प्रकार से नॉनवेज का सेवन नहीं करना है। यदि आपके निवास पर नॉनवेज बनता है तो ये उपाय, ये टोटका आपके लिए नहीं है, मत करिए। इस बात को समझ लें कि पूर्ण प्रेम तथा श्रद्धा के साथ किए गए उपाय टोटके ही लाभ देते हैं, इसलिए पूर्ण श्रद्धा तथा प्रेम के साथ करें तथा तब तक करते रहें जब तक कि आपका कार्य पूर्ण नहीं होता है, परंतु प्रेम तथा श्रद्धा का मिश्रण जरूर मिला लें। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि हम जब भी हवन करते हैं अपने सभी सब्सक्राइबर के लिए दुआ किया करते हैं और उनकी आहुति भी डालते हैं। वैसे भी यदि आप हमसे रिश्ता बनाना चाहते हैं, हमारे वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा। यदि आपकी कोई समस्या है, आप कोई सवाल जानना चाहते हैं
तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और यदि आप अपनी जन्म पत्री दिखाना चाहते हैं तो उसकी फीस होती है, ये फीस गरीबों के कार्यों में इस्तेमाल की जाती है। तो आपने समझ लिया होगा, सिर्फ व्हाट्सएप करना है, फ़ोन नहीं करना।